नाभा कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर रविंदर सिंह के दो साथियों को बाईपास रोड पर नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया, जिनसे एक कट्टा, देसी बोर, दो जीवत कारतूस और एक गाड़ी काबू की गई। पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई आरम्भ कर दी है। नाभा की मैक्सिमम जेल सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर रविंदर सिंह, जो की जिला मोहाली के गाँव बलौगी का रहने वाला था, जिसको आज जमानत पर रिहा किया जाना था, परंतु रविंदर के दो साथी संदीप सिंह जिला मानसा का रहने वाला और दूसरा साथी संदीप कुमार मोहाली का रहने वाला बताया जा रहा है। ये दोनों नाभा में अपनी गाड़ी में असली समेत पहुंचे। पुलिस को जब इसकी भनक पड़ी तो इन्होंने नाकाबंदी करके इन्हें काबू कर लिया और इनके पास से हथियार और इनकी गाड़ी को कब्जे में लिया। इन दोनों को पुलिस की तरफ से हथियार एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है और इनके पास से पूछताछ जारी है। इस संबंध थाना कोतवाली के इंचार्ज कर्नैल सिंह ने बताया कि इनका साथी नाभा जेल में बंद था, जिसने आज जमानत पे रिहा होना था, जिस करके ये उसे लेने के लिए नाभा पहुंचे थे। ये असलों के साथ लैस थे और इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। नाभा से राजेश बजाज। मुकदमा नंबर 25 अज ही दर्ज किया, इन्होंने अज ही असी अरेस्ट किया। एक नौजवान है संदीप बलौंगी, जिला मोहाली का, एक पिंड मलको थाना बोहा जिला मानसा का रहने वाला। तो इतने एक गैंगस्टर बरिंदर काली है मोहाली जिले में बिलोंग करता। वो अज जमानत होनी सी तो उन्होंने ये रिसीव करने वास्ते आए थे। तो साढ़े को इनफॉर्मेशन थी भी ये भी गैंग गैंग संबंध रखते हैं, तो इन्हों कोई वैपन है। तो सीक्रेट इनफॉर्मेशन से नाकाबंदी की एएसआई शिवदेव ने, तो इन्हों को एक देसी पिस्तौल बरामद हो 315 फुट तो 6 कॉटरेज संबंध इसे करके गैंगस्टर रिसीव करना ऐसी है इन्हों संबंध होने करके।